पीडब्ल्यूडी को बचाना है तो गुप्ता ई को हटाना है। नारेबाजी के साथ ग्रामीणों ने किया आंदोलन। बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी क्षेत्र में कुसमी से सामरी होते हुए चांदो सड़क और कुसमी से जशपुर मुख्य मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से कार्य में लापरवाही को लेकर के जनप्रतिनिधि एवं आम जनता में आक्रोश देखने को मिला और बलरामपुर रामानुजगंज लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए और हटाने की मांग की गई। कुसमी से सामरी मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य का स्वीकृत 2021-22 में हुआ था, लेकिन आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, जिससे लोक निर्माण विभाग बलरामपुर रामानुजगंज के कार्यपालन अभियंता की घोर लापरवाही के फलस्वरूप कुसमी व सामरी की आम जनता को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सामरी कुसमी होते हुए सैकड़ों मालवाहक ट्रकों का भी इसी मुख्य मार्ग से होकर के वो गुजरते हैं। जर्जर सड़क के निर्माण नहीं होने से अनेकों प्रकार के बड़े हादसे होने की संभावना है और कई ग्रामीणों की जान भी चली गई। ऐसे में देखना होगा कि इन पर अंकुश कब लगता है और ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होती है। खबर देखिए भारत टीवी के लिए सैफ अली की रिपोर्ट। मैं जनमजय सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष कुसमी। ये बताइए आपके द्वारा जो एनसी सर से उनको हमने ज्ञापन सौंपा कि कुसमी सामरी रोड आज 2 साल से टेंडर पड़ा हुआ है, टेंडर लगा है और इस रोड का अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इनके द्वारा कहा गया कि ये रोड में जो कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस अब समाप्त हो गया है, अब जिसका भी टेंडर खुलेगा वो काम अभी चुनाव के बाद कार्य चालू होगा कुसमी सामरी का। और चांदो रोड का भी बात किया गया, चांदो रोड का इनका कहना है कि क्या उसमें कमी है फॉरेस्ट क्लियरेंस का, उस काम को भी हम चालू करेंगे। और वो PWSDO यहाँ तो रहते नहीं है, इनका ऑफिस बराबर बंद रहता है। मेरे द्वारा ये कहा गया एनसी साहब को और उनके द्वारा ये भी कहा गया मेरे द्वारा कि गुप्ता जो है यहाँ जो प्रमुख कार्यपालन अभियंता बलरामपुर रामानुजगंज, वो कभी भी व्यवहार ठीक नहीं करते हैं, ना कभी यहाँ आते हैं, ना कोई कार्य इनके द्वारा ही कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है, इन्हीं का दोष है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है ये कार्य चालू हो चुनाव के बाद, और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग नगरवासी चुनाव के बाद सामूहिक रूप से हड़ताल करेंगे। ऐसे भ्रष्ट यहाँ से अन्यत्र भेजा जाएगा। सरकार अपनी है, सरकार से हम बात करेंगे, जो भी सरकार के उच्च अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाना। सामरी से कुसमी रोड है, इसका टेंडर डेढ़ साल पहले हो गया था, सेंक्शन भी काफी दिनों का है और जिस ठेकेदार को नहीं मिला था वो कोर्ट में चला गया था, तो कोर्ट ने अपना निर्णय देने में ही 1-1.5 साल लगा ली, इसलिए वो काम नहीं हो पाया था। अभी निर्णय आ गया कोर्ट का और टेंडर भी आ गया आचार संहिता के कारण। जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसको खोल के सेंक्शन कर देंगे और जो भी ठेकेदार आएगा उसको काम दे देंगे। जैसे तो कि सर सामरी से चांदो रोड की जो मार्ग है वो आखिर उस पे फॉरेस्ट की बिना क्लियरेंस मिले उस रोड का काम क्यों चालू कराया गया, इस पे आप क्या करेंगे? उसका मैं परीक्षण करा लूंगा, यदि किसी ने गलत किया हो तो कार्रवाई करेंगे। सर इस पे बार बार आश्वासन दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होता है, इस पे क्या कहेंगे? अब अभी हमने पहली बार आए हैं यहाँ पे, पता चला है तो हम परीक्षण करा के यदि किसी गलती हुई तो कार्रवाई करेंगे। सर आपके SDO कभी भी नहीं रहते हैं विभागीय अधिकारी, हमें निर्देश राइटिंग में निकाल देंगे। ये क्या सर राजपुर रहते हैं, एक दिन सप्ताह में आते हैं सारा काम ऐसे? वो हम अभी निर्देश हमें आपकी जानकारी मिल गई है, जैसे ही हम राइटिंग में निकालेंगे 6-7 दिन वो मुख्यालय में रहें, यहाँ अपना घर बनाएं, जो भी करना है अपना रहें, यहाँ ड्यूटी है और राजपुर में रहेंगे। हाँ, कैसे सड़क ठीक है? सर आप PWD विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, मान लीजिए चलिए आपके बिना जानकारी के कैसे वहाँ काम चालू किया गया? और फिर आपके भाई देखो हर चीज की जानकारी हमारे पास नहीं आती, बहुत सारे स्तर के अधिकारी रहते हैं, अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता फिर प्रमुख अभियंता, हमारा काम तो पूरा वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग का है, हम तो कभी कभी फील्ड पे निकलते नहीं है जानकारी। अभी आपने जानकारी मिला है तो कार्रवाई। एक और सवाल है सर, इनका एग्जीक्यूटिव कार्यालय जो बलरामपुर में है सर, वो बिना टेंडर लगे वो काम चालू हो गया, बाद में टेंडर लगा, इस बारे में सर क्या करना है? वो आज भी मैंने पेपर में पढ़ा है, वो परीक्षण करा के जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई। बिना सर लैब ट्यूब टेस्ट के जसपुर रोड का काम पूर्ण कर लिया गया, उनका बिल बन गया ठेकेदार का, इसमें सर क्या कहें? वो आप लिख के दे दीजिए, स्पेसिफिक बता दीजिए, परीक्षण कराए कार्रवाई करते हैं। ठीक है।